नमस्कार दोस्तों, मैं विजय टुडू आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो भारत देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, वो है खाना की बर्बादी। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक दिन करोड़ों रुपयों का खाना बर्बाद होता है। यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक सर्वे में ये सामने आया है कि भारत देश में प्रत्येक दिन 244 करोड़ का खाना जो है बर्बाद होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में एक दिन में अगर इतना रुपये की खाना जो बर्बाद होता है तो एक महीने में, एक साल में कितने रुपयों का जो खाना बर्बाद हो रहा है, तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा जो खाना हम लोग का बच जाता है उसको कैसे रीयूज़ किया जाता है और उसको कैसे खाने लायक हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चावल हैं जो कल का बचा हुआ है, और तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग का कढ़ाई देख रहे हैं। कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें तेल डालेंगे, चूल्हा हम लोग जला लिए हैं, कढ़ाई को जो हम लोग इसमें तपने के लिए दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग तेल डालेंगे इसमें, तेल डाला जा चुका है, इसमें मिर्च डाल रहे हैं, सूखा मिर्च, और कुछ प्याज का टुकड़ा, इसको हल्का भूरा होने तक इसको हम लोग रखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग का चावल जो है इसमें हम लोग फ्राई करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले मसाला दे रहे हैं, मसाला देंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको हल्का हिलाएंगे। मसाला देकर थोड़ा सा भुनना है इसको, उसके बाद जो है अभी हम लोग चावल दे रहे हैं। धीरे धीरे हिलाते रहना है करीब 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक इसको इसी प्रकार से हिलाएंगे। तो इसको जो है कुछ देर इसको इसी प्रकार हिलाएंगे, इसी प्रकार चलाते रहना है। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग बचा हुआ जो कल का दाल है उसमें हम लोग मिक्स करेंगे इसको। अभी दाल को मिक्स किया जा रहा है, तो पूरी तरीके से मिक्स करेंगे इस प्रकार। नमक दिया जा रहा है इसमें, अभी स्वाद अनुसार नमक देंगे इसमें। मिक्स करेंगे,
तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। तो ये ज़्यादा रखना नहीं है, एक से डेढ़ मिनट तक इसको रखना है ढक के। इसके बाद ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग उतारेंगे। और अब जो है टेस्ट की बारी है, इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट करके ये कैसे बना है। बहुत ये स्वादिष्ट बना है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, जो रात का भोजन हम लोग का बचा हुआ था कैसे रीयूज किया जाता है इसका, आप समझ गए होंगे। और आप भी अपने घर में जो खाना बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो के ऊपर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपको देखने को मिले। धन्यवाद।